कई सारी कविताएं हैं जो मुझे मेरी खुद की पसंद है। उसमें से एक था कि गुमान था मुझे अपनी बादशाही पर, गुमान था मुझे अपनी बादशाही पर, फिर इश्क हुआ तुझसे तो मैंने घुटने टेक दिए। की है प्यार पे होती है या ब्रेकअप्स पे होती है? सच बोलूँ तो जो स्टार्ट हुई थी फिलहाल तो उस पर लिखना स्टार्ट किया। अगर कहीं ना कहीं प्यार है तो दर्द भी है, तो दर्द पे भी लिखना स्टार्ट किया। प्रॉपर पोएट का टाइटल लेने के लिए अभी बहुत वक्त है। मेरी छत से उसका घर नजर आता है, मेरी छत से उसका घर नजर आता है, यानी कि चांद मुझे दिन भर नजर आता है। तो आपका आपको मेरे से DM और कॉमेंट आते हैं? सो गाइज, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा अनोखा है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पे एक पोएट, एक कवि आए हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं की है बड़े बड़े स्टेज में। आज की शाम भी वो कविताओं से भरने वाले हैं, तो वो है कबीर यादव जी। सो थैंक यू कबीर यादव जी आज हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैंने आपके बहुत सारे कविताएं देखी और आपको पता है किस तरह से हम मिले, मैं यहाँ पॉडकास्ट करता हूँ इस रेस्टोरेंट में, आप यहाँ पे अकाउंटेंट से काम करते हो, आपने बताई आपकी कविताएं, तब मैंने कविताएं देखने के बाद मैं बोला यार आपको तो मेरे पॉडकास्ट में आना ही है। सो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, पोएट में आप कैसे आए, कब से लिखने लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को पोएट कहलाना भी डिजर्व नहीं करता हूँ, कि बेसिक्स है। मैंने अपनी फीलिंग्स लिखना स्टार्ट करी थी कॉलेज टाइम से, तो धीरे धीरे लिखता गया, लोगों को पसंद आती गई। फिर आफ्टर अ टाइम जॉब के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, तो ओपन माइक्स ने अप्लाई किया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है। तो धीरे धीरे एक पहला परफॉर्मेंस किया तो थोड़ा डर था अंदर, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। फिर धीरे धीरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और क्या होता है कि ख्यालों में भी ना उच्चतर ख्याल होते हैं, मतलब कैसा कि आप पहले लिख रहे हो तो फिर स्टेज बाय स्टेज आपके ख्याल भी अच्छे होने लगते हैं। जब आपको लोग सुनते हैं या फिर आप दूसरे लोगों को भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सापनेस आती है। ओके, सो आपकी ऐसी कौन सी कविताएं हैं, मतलब आज का पॉडकास्ट ना आपकी कविताएं बहुत सुनने हमें सुनाना और पूरा पॉडकास्ट एकदम रंगीन कर देना, तो आपकी कौन सी ऐसी बेस्ट कविता है जो बहुत लोगों को पसंद आई है, आपको पसंद आती है सबसे बेस्ट कविता? फिलहाल तो मुझे ऐसे कई सारी कविताएं हैं जो मुझे मेरी खुद की पसंद है। उसमें से एक था, मैंने बहुत पहले लिखा था कि दो लाइन्स की हैं, कि गुमान था मुझे अपनी बादशाही पर, गुमान था मुझे अपनी बादशाही पर, फिर इश्क हुआ तुझसे तो मैंने घुटने टेक दिए। अरे वाह, मतलब दो लाइन्स में बहुत समराइज करके लिखा है कि एक कहता है कि, जैसे होते हैं ना कि लड़का एकदम अलग ही मिजाज का होता है, बट कैसा होता है कि जब वो इश्क में पड़ता है ना कोई भी व्यक्ति तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो उस पे लिखा था मैंने ये चीज़ें। ओके, सो ये पोएट्रीज आपकी यूजुअली ऐसी लव स्टोरीज पे होती है, प्यार पे होती है या ब्रेकअप्स पे होती है, सो उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है या आपने नॉर्मली लिखनी शुरू की थी? बेसिक सच बोलूँ तो फिर लव स्टोरी ही थी जो स्टार्ट हुई थी फिलहाल, तो उस पे लिखना स्टार्ट किया, वो इनकरेज भी किया काफ़ी चीज़ों को। फिर अगर कहीं ना कहीं प्यार है तो दर्द भी है, तो दर्द पे भी लिखना स्टार्ट किया, तो लिखता गया और अभी फिलहाल तो लिख ही रहा हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। मुझे प्रॉपर पोएट का टाइटल लेने के लिए अभी बहुत वक्त है। उसके लिए मैंने बीच में एक लिखा था कि ख्वाहिशें मुकम्मल हो ना हो, ख्वाहिशें मुकम्मल हो ना हो, खुद को आजमाना है मुझे, मेरी मंजिल का सफर बहुत लंबा है, अभी बहुत दूर जाना है मुझे। अरे वाह, ये तो शुरुआत है अभी। वाह, कितना ब्यूटीफुल है, आपने आपकी जर्नी को एक पोएम में आपने बता दिया कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। और मुझे लगता है कि जो जो यूथ है, जो यंग लोग हैं जिन्हें पोएम्स लिखनी है, पोएट्रीज में आना है, बहुत लोग लिखते हैं, बट क्यों ऐसा होता है कि हमेशा कुछ दिल टूटने के बाद ही पोएम्स बाहर आती है लोगों की, मतलब इट्स लाइक देखो अभी अगर कोई दूसरा आपका कोई स्किल हो, आर्ट हो, वो हम प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दिल टूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट पोएम्स का और फीलिंग्स का ऐसा क्या रिश्ता है? पोएम्स और फीलिंग का रिश्ता जो है ना बहुत ही अनोखा है, बिकॉज अब क्या होता है कि जब आप दर्द एहसास करते हो ना, जो चीज़ दर्द एहसास करते हो, जब उसको बयां करने के लिए आपको लफ्ज मिलते हैं ना, तो वही पोएट्री कहलाती है। तो
उस अल्फाज को जिस तरीके से बयां किया जाए, जिस तरीके से बताया जाए, तो धीरे धीरे पोएट्री कहलाती है वो। और कहते हैं कि जब आप अपने दर्दों को बयां करते हैं ना, तो इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड दर्द को समझने वाले ज्यादा है, मतलब दर्द काफी लोगों ने सहा होता है तो रिलेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है आजकल के टर्म्स में। अच्छा, आपने ऐसी कई ओपन माइक्स के बारे में बात की, तो आज के पोएट्स को, मतलब जिन्हें पोएट्स में पोएम्स में करियर करना है, कविताओं में करियर करना है, तो उनके लिए क्या ऐसे डिफ़िकल्टीज़ है या उनके लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि मेरा पॉडकास्ट बेसिकली यूथ को बहुत मोटिवेट करना है, और पोएट्री, पोएम्स, कविताएं भी एक ऐसा क्रिएटिव फील्ड है जो बहुत लोग करना चाहते हैं, पर उनको शायद पता नहीं होगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या उसके अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसमें आप कुछ बता सकते हैं तो? जैसे कि क्या होता है कि हम अपने ख्याल लिखते हैं, पहली बात तो पोएट्री इतनी आसान नहीं है सीखना, पर हम अपने ख्याल लिखते हैं, और जो भी इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उनको कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, बहर होता है, गजल होती है, तो ये जोन में जाके लिखने के लिए ना आपको बहुत वक्त लगेगा। आप सबसे पहले शुरुआत करो अपने ख्यालों को लिखने के लिए, लोगों को ख्याल ही पसंद आते हैं, बहर गजल ना बहुत बड़ी चीज है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। तो आप अपने ख्याल लिखते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और जैसा आपने बताया, अभी पूछा मुझसे कि यहाँ पे ओपन माइक्स होते हैं मुंबई में, बेसिकली हम मुंबई में हैं, तो मुंबई में काफी ज्यादा ओपन माइक्स हैं, अभी आपको सभी जगह पे मिल जाएगा ओपन माइक्स। तो एक ओपन माइक्स आपको इसलिए अटेंड करना चाहिए ना, क्योंकि जब आप ओपन माइक्स में जाओगे, 20 लोगों के सामने अपनी बातें रखोगे, या फिर वो 20 लोग आपको सुनेंगे, या फिर उन 20 लोगों का आप सुनते हो, उसमें क्या आता है कि आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप गलत लाइक कर रहे हो, या फिर कहाँ से आपको इम्प्रूविंग पॉइंट मिल सकता है। उसमें कुछ आपसे दोस्त बनेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ डिमोटिवेट भी करेंगे, अरे क्या बोला तुमने, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आपको मोटिवेट होना, डिमोटिवेट होने की कोई चीजें नहीं होती है, आपका गजल में नहीं था, एक बहर में नहीं था, वो सब छोड़ो, अपने ख्याल बोलो तुम, लोगों को ख्याल ही पसंद आते हैं। तो पोएम्स आज के टाइम में एक ऐसी चीज है ना जो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो कम शब्द। हाँ, तो क्योंकि देखो, अभी एक पॉलिटिशियन हो गया कि कोई भी स्पीच दे रहा है, उसे बहुत लंबा चौड़ा बहुत कुछ बोलना होता है, पर कभी पोएम घुसा दो या कुछ ऐसा एक पोएट्री वाली लाइन लगा दो तो कितना इजीली लोग जल्दी रिलेट कर जाते हैं। होता क्या है ना कि पोयम जब आप बोलते हो ना, एक एक वर्ड में ना काफी सारी मीनिंग्स होती हैं, तो वो रिलेट बहुत जल्दी कर पाते हैं। जैसे कि मैंने एक लिखा था कि मेरी छत से उसका घर नजर आता है, मेरी छत से उसका घर नजर आता है, यानी कि चांद मुझे दिन भर नजर आता है। तो अरे वाह वाह वाह, मतलब ये कर सकते हैं कि चांद को तुलना जब करते हैं तो चांद में कितनी सारी क्वालिटीज होती है, तो दो लाइन में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल गया सामने वाले को, और अब तुमने अपनी बात भी कह दी बिना कुछ बोले। हाँ मैं आपको बोलूंगा, ये पॉडकास्ट खत्म होता है तो 2-4 कविता मुझे भी दे देना, तो मैं भी किसी पे इस्तेमाल करूंगा या इस्तेमाल कर जरूर लूंगा। जरूर। जिस तरह से अभी, जैसे आपके एकदम स्टार्ट में, मतलब आप जब आप बॉम्बे से ही हो? नहीं, मैं बेसिक यूपी से हूँ। अच्छा, कॉलेज टाइम में जब आपने शुरू किया था, तो आप जब लोगों को सुनाते थे कि आप खुद ही लिखते थे और खुद ही, मतलब खुद को ही बताते थे, कि तब कॉलेज में आप कोई कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, ऐसा कुछ करते थे? हाँ, कॉलेज में था, दोस्त वगैरह थे, कुछ और भी दोस्त थे मेरे जो कॉलेज टाइम से लिखते भी थे, तो कैसा होता था कि हम एक दूसरे को सुनाते थे, वो इम्प्रूव करते थे चीज़ों को, कि ये ऐसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है, पर मुझे जो अच्छा लगता था मैं करता था, धीरे धीरे होती गई चीज़ें और धीरे धीरे मामला बढ़ा। आज आज पोएट्री के इस इंडस्ट्री में या क्रिएटिविटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेसिक बात करें तो क्या होता है ना कि अभी बहुत कम ही लोग किसी भी टैलेंट को कदर कर रहे हैं, जब से आपका इंस्टाग्राम वगैरह आ गया है। यहाँ पे क्या होता है, लाइक्स एंड फॉलोअर्स पे सारा, व्यूज पे क्रिएशन मिलता है। मिलता यहाँ पे जो एक्चुअल पोएट नहीं है, जो जिनके खुद की कविताएं नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति वो चीजें बोल के ना उनसे ज्यादा व्यूज लेके जाता है। मेरी कई ज्यादा कई सारी ऐसी पोएट्रीज हैं, कई सारी ऐसी ख्याल है ना, जो मैंने नहीं दूसरों ने पढ़ी, उस पर काफी व्यूज आया, जो मैंने खुद ने मेरी लिखी हुई पढ़ी है उस पर व्यूज नहीं आए। तो ये ऐसा कोई क्या बोलते हैं, अभी अभी मुझे पता नहीं ये सही होगा कि नहीं पूछना, बट सब मतलब एक जो हमारी चीज होती है उस पर अपन कॉपीराइट लगा सकते हैं, या आपकी कोई कविता ऐसा कुछ है मतलब बनाया है? कॉपीराइट के लिए क्या होता है ना, बेसिक आपको एक
प्रॉपर आपकी बुक पब्लिश होनी चाहिए, तब आप कॉपीराइट कर सकते हो। आपने कही उस पे आप कॉपीराइट नहीं लगा सकते हो। हाँ वो तो बस सही बात है। तो मेरे मन में ख्याल आया कल को, जैसे मैंने अभी आपको ये चीजें समझाई, कल को यही चीजें किसी और ने कोई यही पोएट्री आपको सुना के कह दे ये मेरी है, तो मैं उस पर कॉपीराइट नहीं लगा सकता। हालांकि मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैंने ये टाइम पे लिखा था, मेरे पास ये नोट्स है, ये डेट है, वो सारी चीजें होती, पर कॉपीराइट जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, सो आप ऐसी कोई कविता है जो यूथ को बहुत मोटिवेट कर सके या यूथ को एक दिशा दे सके? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम एक बहुत यंग कंट्री है और क्रिएटिव कंट्री, क्रिएटिविटी बहुत है हिंदुस्तान में। अगर देखो अभी आप हिंदुस्तान में पैदा नहीं होते, इंडिया में पैदा नहीं होते, तो डेफिनेटली कविता और ये सब बहुत दूर की, बहुत दूर की बात है। मतलब इंडिया ही हैज़ अ डाइवर्स, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाएँ हैं। तो आप हिंदुस्तान को और यूथ को कनेक्ट करने के लिए ऐसी कोई कविता आपने कभी लिखी है? मैंने एक लिखा था जब मैं घर से निकला था मुंबई कमाने के लिए, तो लिखा था कि घर से निकला था घर की चाहत लेकर, घर से निकला था घर की चाहत लेकर, अभी बेघर फिर रहा हूं मैं। घर से निकला था घर की चाहत लेकर, अभी बेघर फिर रहा हूं मैं, पैसे कमाने की होड़ में रिश्ते खो दिए सारे, फिर अभी रिश्तों के लिए दर बदर फिर रहा हूं मैं। अरे वाह, किसी सबसे यही कहना चाहूंगा यूथ को कि पैसे कमाना इज ओके लाइक, बट इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत हो जाओ पैसे में कि अपने रिश्ते भी तुमको ना समझना है, माँ बाप से दूरी या फिर फैमिली में रिलेशंस बना के रखो, रिलेशंस एक टाइम पे काम आते हैं, पैसे इज इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, पैसा पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल है, आपने इतना कम शब्दों में इतना अच्छा लोगों को मोटिवेट किया है। दिस इज व्हाट आपने, आपकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी शायद कि आप ही एग्जैक्टली मैं मुंबई आया था कमाने के लिए और मैंने वो चीजें खोई है पैसे कमाने के चक्कर में, तो मुझे पता है कि वो चीजें कितनी ज्यादा मायने रखती हैं चीजों को लेकर। राइट, सो मुझे तो लगता है मैं आज आपको सिर्फ बोलूँ आप कविताओं में मुझे जवाब दो, क्योंकि आपकी कविता से ही हर चीज बयां हो रही है, आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं लग रही, मुझे लगता है इतनी ब्यूटीफुल कविता है। सो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आप ओपन माइक्स में जाते हो तब वहाँ पे आपको कैसे रिस्पांस मिलता है, मतलब आप जब वहाँ पे कविताएं कहते हो तो वहाँ पे आपको किस तरह से रिस्पांस मिलता है और किस तरह से लोग वहाँ, जो यंग लोग हैं और जिन्हें कविताएं लिखनी है, वो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? फिलहाल वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बेसिक सी बात है, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हैबिटेट हो गया आपका, जी टॉक्स हो गया, वॉइस ऑफ सूरत में है, अनकही बातें आपका एक इवेंट होता है, सिटी टॉक्स हो गए, तो और कवि सम्मेलन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो मुंबई में होती रहती है। आपको बस इंस्टाग्राम पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, पता करना है कि कौन सी चीज़ें, मोस्टली हर संडे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आप उनसे जाके उनको मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, तो आपको रिप्लाईज कर देते हैं, बेसिकली वो कर देते हैं। आप कुछ नॉमिनल चार्ज करते हैं 200-300 रुपए का, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप खुद को बयां कीजिए, लोग अप्रिसिएट करते हैं वहां, क्योंकि जब आप वहां पे जाते हो ना, आप जो सामने आपके बैठे होते हैं 50 लोग, वो उन्हीं में से, आप में से ही होते हैं, वो खुद भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ आते हैं, तो जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आपकी चीजों को वाहवाही भी देंगे और खुद को भी वो रिलेट कर पाएंगे वो चीजों से। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो एक कवि है, जो एक पोएट है, उसकी क्या अहमियत है दुनिया में या भारत में, आपको क्या लगता है कवि कहाँ स्टैंड करते हैं? What is the importance of? ये तो बहुत गहरा क्वेश्चन हो गया। मैं सच कहूँ तो कवि, आप, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की किताबें चलती हैं, उसमें कवियों का पूरा कविताएं होती हैं, और हमने उनसे काफी कुछ सीखा है कविताओं से। आपका मुंशी प्रेमचंद भी कहानियां लिखते थे, कविताएं वगैरह, और आपका गुलजार साहब जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं उनके, और काफी ऐसी कविताएं भी है ना, हरिवंश राय बच्चन जी कविताएं लिखते थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो इलाहाबाद से ही हैं, तो कविताओं में बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत सारी चीजें छुपी होती है कविताएं। देखिए आजकल का जो लोगों का टाइम है ना, जोनर उनका हो गया सैड और लव पे लिखने का, बट एक टाइम पे होता था लोग नेचर पे लिखते थे, देशभक्ति की कहानियां बनी है, गीते बनी है ना, वो कविताओं से ही निकल कर बनी है, कहीं जो हम गाने सुनते हैं बेसिक कविताओं का ही फॉर्म होता है वो, जो कहानियां गाने जो भी होते हैं ना, कविताओं से निकल कर ही आते हैं। हाँ, सो आपने अभी गुलजार साहब का बात की, तो ये आपके फेवरेट है? बहुत फेवरेट तो है। उनकी कोई कविता आपको याद हो तो? उनकी एक कविता है, दौलत नहीं शोहरत नहीं, दौलत नहीं
शोहरत नहीं ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्जों की परवाह चाहिए। अरे वाह, आपकी कविता सुनने का ऐसा था वाह बोलने का मन कर रहा है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। सो जब अभी ओपन माइक्स आपने जैसे कहा, बट कोई अर्निंग सोर्स है पोएम्स पोएट्स के लिए? मतलब क्योंकि एवरी सब जो भी इंसान किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश करेगा वो हमेशा एक स्टेबिलिटी की और जाने की ट्राई करेगा, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगा वहाँ लोग नहीं जाएंगे। देखिए हर एक सेक्टर में अर्निंग सोर्सेस होते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे कमा पाओगे। बिकॉज अब जब भी आप सीख रहे होते हो तो बेसिक है, आपको सीखने में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। फिर जब भी आप में शार्पनेस आएगी, आप अच्छी कविताएं करने लगोगे तो लोग कवि सम्मेलन में बुलाते हैं, आपको अवार्ड देते हैं, प्लस आप वही पोएट्रीज के पीसेस ना इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, रील्स पे डालोगे, तो रील्स में ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर है जो किसी और का गानों पे जस्ट लिपसिंग करके पैसे कमा रहे हैं। यहाँ तो आपका खुद का सोर्स है, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आपको लगता है ये सोशल मीडिया ने बहुत सारे जरिए खोल दिए? एग्जैक्टली, बहुत सारे राइट। सो ऐसा कोई रिसेंट में आपको याद है ऐसी कोई कविता आपने सुनी है जो मतलब जो आपको पसंद आई है, आपकी नहीं पर दूसरे किसी की हो और आपको बहुत पसंद आई है, जो रिलेट कर रही है प्रॉपर लाइफ के साथ और किसी यूथ के साथ प्रॉब्लम के साथ? फिलहाल काफी टाइम से तो मैं खुद ही डिप्रेशन में था, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ सुना नहीं है मैंने। अच्छा, तो आपकी खुद की कविता है, आप जब सब शांत बैठे रहते हो तो आपने ऐसी कोई कविता लिखी जो डिप्रेशन के ऊपर हो या डिप्रेशन से लड़ने के लिए हो? मैं बेसिकली बहुत एनर्जेटिक आदमी हूँ, तो आपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए कोई कविता लिखी है? डिप्रेशन से लड़ने के लिए एक लिखा था मैंने, बहुत ज्यादा 2-3 साल हो गया उस टाइम पे लिखा था, कि थोड़ी लंबी कविता है, ध्यान दीजिएगा, कि काश रुक जाते लफ्ज उस दिन ना हो पाती वो बात, काश रुक जाते लफ्ज उस दिन ना हो पाती वो बात, ना मिलते तुम ना बिछड़ते हम ना छूटता तेरा साथ, और आज धड़कने भी जवाब देने पर उतर आई है, सब कुछ धुधला हुआ है, धुधली हुई तेरी परछाई है, और तुझे बेवफा कह के समझ लेना मैंने अपनी मैयत अपने कंधे उठाई है, क्योंकि एक वक्त था रूठने पर तेरी जान निकलती मेरी थी, हाँ मुझे एहसास हुआ गलती मेरी थी। इसके आगे की लाइन थी कि निभाना होगा उसे भी बेटी होने का फर्ज, होंगी उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां, निभाना होगा उसे भी बेटी होने का फर्ज, होगी उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां, और मुझे भी चुनना होता माँ बाबा में उसे तो मैं भी चुनता दूरियां, और यूं करके बदनाम किसी को पाना चाहा चंद लम्हे की हंसी को, माना मेरी कहानियों पे चलती मेरी थी पर एहसास हुआ गलती मेरी थी। तो आप किसी भी सामने वाले पर्सपेक्टिव को गलत नहीं ठहरा सकते हो, खुद की गलती एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, दैट्स इट। वाओ, तो ये भी आज के यूथ को बहुत समझने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस है बहुत बड़ी। एग्जैक्टली, आज के यूथ में प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वो सामने वाले को गलत समझता है, हमेशा सामने वाले को गलत समझता है। कभी सामने वाले की जगह खुद को रख के देखो ना, हो सकता है मामला सुलझ जाए। मैंने पिछले गेस्ट के साथ भी बात की थी, पेरेंट्स माँ बाप का और बच्चे के रिश्ते में ना बहुत खटास होती है, मतलब एक 15 से 25 साल के बीच में ना एक बच्चा एक रिबेलियन होता है, उसके अंदर जो जुनून होता है, जोश होता है कुछ करने का, जैसे आप में भी था शायद, जैसे आप छोड़ के मुंबई आए थे, तो वो एकदम जो जोश होता है उसमें ना शायद कहीं कभी ना कभी हम जो यूथ होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कभी गलत वे में ले लेते हैं, या बहुत उनके साथ कुछ मतलब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और वो जो कह रहे होते हैं, पर एक टाइम के बाद पता चलता है कि पेरेंट्स सही थे, माँ बाप सही थे। सो उस पे उन दोनों के रिश्तों पे आपने कोई कविताएं लिखी हैं? तो उन दोनों के रिश्तों पे मैंने पेरेंट्स को बेसिकली मैं पहले बोलना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा सुकून का सोर्स होते हैं हमारे। हम क्या करते हैं ना कि सुकून कहीं और ढूंढते हैं और पेरेंट्स को बगल में रख देते हैं। और मेरी एक कविता की 4 लाइन है, कविता तो नहीं है उसकी, 4 लाइन है, बाकी कविता है उसमें और भी है, उसमें था कि सारी बलाएं मिटा देती है माँ सिर्फ माथा चूमकर, सारी बलाएं मिटा देती है माँ सिर्फ माथा चूमकर, बस ये इश्क के रोग का बवाल नहीं जाता, तड़पता है इंसान फिर दम तोड़ देता है इसमें, इस मर्ज में कोई अस्पताल नहीं जाता। तो यहाँ पे रिलेट कीजिएगा कि माँ ही है ना जो सब चीजों का सुकून देती है, माँ हो गए, पापा जी हो गए, तो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो अभी मैं आपको ऐसी आपकी मतलब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी जब आपने कविताएं शुरू की थी
सो तब आपने कहा कि कॉलेज में आपने शुरू की थी, फिर आपने ओपन माइक्स में जाना शुरू किया, तो आज के टाइम में अभी आज आप किस तरह से अपने पोएम्स को लोगों तक पहुंचा रहे हो? आप भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हो? यस। तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं जहाँ पे ओपन माइक्स करता हूँ वो लोग वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पे, तो लिंक वगैरह दोस्तों को शेयर करके कहीं ना कहीं, मतलब धीरे धीरे, अभी नहीं नहीं करके भी तो मुंबई में काफी लोग जानते हैं मुझे, तो धीरे धीरे आप एक स्टेज पे आ जाओगे जहाँ आपको लोग जानने लगेंगे। सारी कविताओं का तो नहीं कह सकता, पर कुछ पीसेस उनको पसंद आते हैं और वो सामने से बोलते भी है कि आपका ये वाला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपका वो वाला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो एक दूसरे से जो रिलेट कर पाता है वो। तो आपका, आपको वैसे डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि आपकी कविताएं में मेरे जो जिंदगी में चल रहा है? आते हैं सीरियसली, ऐसे कमेंट्स आते हैं और कुछ लोग तो बोलते भी है कि मुझे सामने वाले को अप्रोच करना है, मुझे ये आप कुछ ऐसा लिख के दो, या फिर मेरी कई सारी रील्स है जो मैंने पोस्ट करी तो लोग बोलते हैं कि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ है ऐसा करके, तो होती रहती है ये सारी चीजें, तो अभी कॉमन हो चुकी है मेरे लिए। पहले मुझे लगता था कि लोग बहुत, अभी भी मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा ऑनर कर रहे हैं मुझे ऐसा सब बोल के, बट कहीं ना कहीं मैसेजेस वगैरह डीएम्स वगैरह आ ही जाते हैं लोगों। पर ऐसे कोई डीएम्स आपने फेस किए कि जहाँ पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आपको आ रहे हैं, नेगेटिव डीएम्स आ रहे हैं? यूजुअली पोएट्स के लिए नहीं आते हैं? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे ये क्या चालू कर दिया है, अभी तुम ये करने लगे हो, अभी ऐसे ग्रो करोगे, ये लाइफ है तुम्हारी, ये क्या बोला है, तुम्हें इसका मतलब भी पता है, मतलब वो डीमोटिवेट टाइप का करते हैं, तो उस चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो काफी चीजें तुम्हें इग्नोर करनी पड़ेगी। सो ऐसी कौन सी डिफिकल्ट चीज थी जिसको, जिससे लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया, कौन सी वो बहुत तो आपको सच में लगा कि दिल पे लगा कि यार ये क्या है, मैं इतनी अच्छी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने शब्दों से लोगों के दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्यों मुझे बैकलैश इतने मिल रहे हैं? लोगों का मानना क्या होता था कि अभी वो पोएट्री को, पहली बात तो पोएट्री की तरह देखते ही नहीं है, टैलेंट की तरह देखते ही नहीं है। उनका कहना होता है कि तुम शायरी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, उनका बेसिक सा मानना होता है ना कि ये अल्हड़पन की चीजें हैं। अच्छा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको करने के लिए बिना टैलेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सब चीजें आसानी से मिल जाती है। अगर मैं आज कुछ शब्द लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, तभी लोगों को समझ आ रही है और पसंद आ रही है। सो ये बहुत जरूरी है आज के जनरेशन में, आज के लोगों को समझना कि पोएट्री भी एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। एग्जैक्टली। एक अर्निंग सोर्स भी हो सकता है, ये हमें स्टेबिलिटी भी दे सकती है, और ये सिर्फ दिल टूटा है इसलिए नहीं, पर ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस है। पहले जैसे आपने कहा कि नेचर्स पे लिखा करते थे, देशभक्ति पे लोग कविताएं लिखती थी, सिर्फ कविताओं का सोर्स ये है कि प्यार है। अब देश से प्यार हो, नेचर से प्यार हो, आजकल प्यार का डेफिनेशन खाली बदल गया है कि प्यार देश और ये सारे जो पेट्रियोटिक चीजों से होनी चाहिए, देश से, नेचर से, प्राणियों से, इन सब से, माँ बाप से जिन्होंने आपको बड़ा किया उनसे प्यार होना चाहिए, तो हमारा प्यार का डेफिनेशन बदल के सिर्फ एक लड़के तक सीमित हो गया है। राइट? आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो 100% यही लगता है अभी तो फिलहाल। और कहते हैं ना कि लोगों को कहना आसान होता है, जज करना आसान होता है, अरे हाँ ये चार लाइन सुन लेना हो गया, बट वो चार लाइन को सुन, जो आप सुन रहे हो ना, वो सामने वाला बंदा किस थॉट प्रोसेस में जाके उसको लिखता है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है मेरे साथ कि मैं एक लाइन आज लिखी है मैंने, हो सकता है 6 महीने बाद उसकी पूरी लाइन का, 4 लाइन पूरी करने के लिए मुझे 6 महीने भी लगते हैं। कुछ लोग नहीं रिलेट कर पाते, उनको लगता है बस हाँ कह दिया हो गया। मैंने एक लाइन लिखी थी कि शामो शहर दर बदर भटकता तेरी आस में, शामो शहर दर बदर भटकता तेरी आस में, तुझे पसंद है हीरे अनमोल और मिट्टी सा भी नहीं खास में, और तेरी यादें जहन में खलल पैदा करती हैं, तेरी यादें जहन में खलल पैदा करती हैं, मर जाऊंगा एक दिन हिरन जैसे कस्तूरी के तलाश में। तो यहाँ पे उस जोन में जाके लिखना, हिरन और कस्तूरी को रिलेट करना, वो बहुत डिफरेंशिएट हो गया, लोग हाँ बस हो गया। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पोएम्स लिखने के लिए बेसिकली मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत वे में पोर्ट्रे किया गया है कि सिर्फ दिल टूटना है तो एक कविताएं लिखनी है, बट कविताएं लिखने के लिए आप उस जोन में भी जा सकते हो। मतलब अभी देशभक्ति के लिए कि आपको बॉर्डर पर जाके अपने आप को शहीद करने की जरूरत नहीं है, पर वो एक फीलिंग अपने अंदर लानी पड़ती है,
फिर आप कविता लिखते हो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा वो एक्सपीरियंस करना होता है, बट वो स्टार्ट हो सकता है, बट आगे जो कविता है वो क्रिएटिविटी से आती है, आप अपने आप को सोन में रखते हो। जैसे आपने एक्टर्स के बारे में अगर सुना होगा, अगर वो कोई स्क्रिप्ट हायर कर रहे हैं तो एक रूम में बंद कर लेते हैं, चार बार वो एक जो कैरेक्टर होता है उसको देखते हैं और फिर उस कैरेक्टर में आने की कोशिश करते हैं। वैसे आप लोग भी जब कविताएं लिखते हो तो कविता लिखते हो तो जिस जोन में जिस फीलिंग से आपको लिखना होता है तो वो फीलिंग को सिर्फ महसूस करते हो कि आपके सराउंडिंग में भी वो लोग हो सकते हो, उनको देख के आप फील करते हो, राइट? बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी हम दूसरों का देख के लिखते हैं कि ये सिचुएशन है, ये टॉपिक से सिचुएशन है करते हैं, और कभी कभी खुद पे भी रिलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं ना वो जोन में जाके लिखते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो लिखा था वो मैं ऐसे जोन में जाके लिखा था ना कि मुझे 15 दिन तक ऐसा लगने लगा था कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ। वो लिखा था मैंने कि हर ख्वाब टूटकर बिखर चुका था, मेरा अपना जब मुझसे बिछड़ चुका था, थी एक हसीन दुनिया की ख्वाहिश मुझे अब नहीं, वो वक्त कुछ और था गुजर चुका था, और ये दासता मेरी होकर भी मेरी नहीं, मैं बिछड़ा जिस दिन उसी दिन मर चुका था। इसके आगे की लाइन थी कि वो मुझे छोड़ अपनी मंजिल को आगे बढ़ गया, वो मुझे छोड़ अपनी मंजिल को आगे बढ़ गया, मैं बिछड़ा जहां वहीं ठहर चुका था, फिर एक कदम भी चलने की मुझमें हिमाकत ना हुई, मैं था जमी पर वो पहुंच सिखर चुका था, ये दास्तां मेरी होकर भी मेरी नहीं, मैं बिछड़ा जिस दिन उसी दिन मर चुका था। तो ये जब मैंने लिखा था तो मैं 15 दिन तो डिप्रेशन फील कर रहा था कि मैं इतना दर्द है कहां से, मतलब मैं सच को रिलेट करने लगा था कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सारी चीजें मैंने बस सोची थी, मेरे एक्चुअल लाइफ में हुई नहीं है। Yes. Oh, wow. और मैंने कुछ दोस्तों को अपने बताया भी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप सुनिएगा। मैंने कुछ दोस्तों को ये जब पोएट्री बताई ना तो उन्होंने बोला कि कौन है वो, किसके लिए लिखा है। मैंने बोला भाई आई एम मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं, आप ये सब मत सोचो क्योंकि मेरा तलाक हो जाना है। मैं वही इसलिए मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि हमें उस जोन में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, वो सिचुएशंस के बारे में भी सोच के हम लिख सकते हैं, सिर्फ उसमें अपने फीलिंग्स को डालना होता है कि कविता शब्द बाहर निकले। वो शब्द एक राइटर वही होता है ना, अपनी तो दास्तां सभी सुनाते हैं, एक राइटर वो होता है ना जो दूसरे की जबानी अपनी कहानी कहते हैं। वो कैसा होता है, दूसरे का वर्डिंग्स मतलब आप पे क्या बीत रही वो मैं मेरे वर्डों में बयां करूंगा, फिर आप जो देखना। सो ऐसी कोई कविता है जो प्यार से हटके होगी, प्यार से अलग होगी, वैसे कोई कविता आपने लिखी है? प्यार से हटके लिखी तो है फिलहाल अभी, ठीक है कोई बात नहीं। सो मैं आपको दोस्ती पे भी लिखी है। अच्छा। और उसके बाद माता पिता सब पे लिखी है। बट कैसा होता है कि जो ये जो हमारा जोनर चल रहा है ना आज के टाइम में, जब नेम फेम चाहिए ना तो हमको यही कॉन्टेंट क्रिएट करने पड़ता है, जबरदस्ती हम यही लिखते हैं। आज के राइटर सब चाहे जिसको भी देख लो वो जबरदस्ती का यही मुद्दा उठाते हैं जो आगे बढ़ने वाला हो, जिससे पैसे मिलेंगे, जिससे नेम फेम बनेगा। सो ये मतलब ये प्रॉब्लम ही हो गई कि ये आशिकों वाली कविताएं बहुत ये ऑडियंस को पसंद है, इसलिए पोएट्स को कविताओं कवि को भी ये सब लिखना पड़ता है। आशिकों वाली तो कम, यहाँ दर्द वाली ज्यादा हो रखी है। लोग रिलेट कर पाते एक दूसरे से, इसके लिए वो चीज जोनर में चल रहा है कि हाँ ठीक है इसको आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। सुंदर दर्द पे कोई कविताएं सुनाइए, चलिए। अब दर्द तो सारी कविताएं में ही होती है। मैंने लिखा था कि रोता हूँ बिलखता हूँ पर दिल से मलाल नहीं जाता, रोता हूँ बिलखता हूँ पर दिल से मलाल नहीं जाता, एक उसने निकाल फेंका अपनी जिंदगी से मुझे, एक मेरे जहन से उसका ख्याल नहीं जाता। और इसके आगे की लाइन थी कि सोहबत से उसके बिछड़े जमाना हो गया, सोहबत से उसके बिछड़े जमाना हो गया, पर यादों से मेरी उसका माया जाल नहीं जाता, चढ़ी रहती है सर पर मेरे ऐसे जैसे विक्रम के सर से बैताल नहीं जाता। हो, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सो आपने अभी आगे क्या सोचा, अभी ये पोएट के फील्ड में आप आगे क्या कर सकते हो, आगे क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज? खुद को साफ कर रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्डिंग्स यूज करनी चाहिए, कौन सी वर्डिंग कहाँ पे यूज करनी चाहिए, क्योंकि कमियां सब में होती हैं, खुद को निखारना ही होता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट करने की, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं आगे करूंगा भी, तो मैं बस उस
जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपके जो कविताएं देखी थी, आपने आपने जैसे कहा कि जो ओपन माइक्स में आप करते हो बड़े बड़े कविताएं, तो वहाँ पे आपने आपके सारे रील्स पे मैंने देखी थी, तो कविताएं बहुत प्यारी थी। सो वहाँ तक आप आपको कैसे, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप एक ओपन माइक के सामने कविताएं पढ़ रहे थे, तो तब आपकी आपकी फीलिंग क्या थी? मतलब आपको कुछ नर्वसनेस हो रही थी या डिफिकल्टी थी कि आपने जाके अरे बोलना है तो बोलो? नहीं नहीं, नर्वसनेस बहुत होती है, डर लगता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, हो सकती है आधी कविता मैं भूल जाऊं या फिर देख के भी पढ़ू तो अटक जाऊं। कैसा होता है कि जब आपके सामने ऑडियंस होती है ना, तो आप देख के भी पढ़ोगे ना तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, हो सकता है एक लाइन को आप 3 बार पढ़ दो, तो ऐसा डर रहता है। पर हालांकि जब एक टाइम के बाद आप करते जाते हो, चीजें करते जाते हो, तो रूटीन में आ जाता है, फिर धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल लगने लगती है, तो फिर आप इजीली जो भी करना होता है कर लेते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज जो मैंने मैंने जो पॉडकास्ट शुरू किया, जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि कैसे करना है, क्या करना है, बट धीरे धीरे वो जब प्रोसेस में हम आ जाते तो हम चले जाते। सो आपको क्या लगता है आज आज जो देश में देश किस तरफ से बढ़ रहा है, आपको लगता है देश प्रोग्रेस कर रहा है क्रिएटिव क्रिएटिव लोगों के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए? पहले से जो सिनेरियो था, आज का जो सिनेरियो, उसमें आपको बदलाव लगता है? हालांकि बदलाव लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैंने अब जैसा स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि इंस्टाग्राम यूट्यूब जो ये सोशल मीडिया है ना, ये काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, डिमोटिवेट भी कर रहे हैं चीज़ों को, बट अगर आप अपने काम पे लगे रहोगे ना, तो एक ही ना एक दिन आपको सक्सेस होना ही है 100%। आपके हुनर को कोई कब तक नजरअंदाज कर सकता है? एक टाइम पर आकर वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जानी है। आप आज अच्छा कंटिन्यूअस अच्छा करते जाओ ना, आप सोचते ही मत क्या हो रखा है, आप कंटिन्यूअस अच्छा करते जाओ, कोई तो कभी ना किसी की नजर पड़ेगी, कभी तो कभी आप आगे बढ़ोगे। सो आपके फैमिली में आपको आपकी कविताएं जब आपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बीवी बच्चों को सुनाते हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? कैसे रिएक्ट करते हैं? अभी रिएक्शन का सबसे सिंपल तरीका बताओ कि मेरा बच्चा जो छोटा वाला है, बड़ा वाला तो ठीक है, छोटा वाला मेरी कविताएं पढ़ता है। अच्छा। कि मेरी छत से उसका घर नजर आता है, यानी कि चांद मुझे दिन भर नजर आता, उसकी फेवरेट कविता है वो। ओह वाओ, आपने कभी अपने माता पिता को कभी कविताएं सुनाई है, उनका रिएक्शन कभी आपने देखा है कि वो? मम्मा को तो बेसिकली कुछ समझ में आता नहीं है, मम्मी के लिए जो है मेरा बेटा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो सारी मम्मियां ऐसी होती है। ओके, सो भी बहुत अच्छे। सो अभी मैंने जैसे आपको पूछा कि आगे की जर्नी, अभी आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो, आपने आपने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू और सीखने वाले। एग्जैक्टली, मैं सीख रहा हूँ। मुंबई में जैसे बोला ना कवि सम्मेलन वगैरह होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी खुद को और शार्प करना है। जैसे कोई नेशनल कॉम्पिटिशन जैसे कुछ होते हैं पोएम्स के? यस सर, होते हैं ना, मुंबई में। एग्जैक्टली, मुंबई में होते हैं और दिल्ली में होते हैं और भी जगह होते हैं। कवि सम्मेलन ही एक अपने तरीके का नेशनल ही हो गया, वहाँ पे बड़े बड़े कवि आते हैं जहाँ की, तो वहाँ पे खुद को प्रेजेंट करना भी लोग ना बहुत बड़ा अपने को खुद ये मानते हैं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। खुद को वहाँ प्रेजेंट होना भी खुद में एक अचीवमेंट है, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आगे लाइफ में करूँ, तो लिख रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आपकी जो फेवरेट कवि है गुलजार साहब, उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी, इतनी प्यारी कविताएं लिखी है, पर उनकी जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट रही होगी, राइट? तो उनके जर्नी के बारे में, उनकी जर्नी आपको किस तरह से इंस्पायर करती है? उनकी जर्नी बेसिक कहूँ तो मैंने जब स्टार्टिंग किया था कविताएं पढ़ना, तो मैंने और भी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, बट मुझे उनकी चीज़ों में ना बहुत रिलेट करके समझ में आ रहा था। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हम समझदार इतने कि उनका हर झूठ जानते हैं और प्यार इतना है कि हर चीज़ मान भी लेते हैं, तो वो एक टॉपिक्स में इतना ज़्यादा वर्णन कर देते हैं ना, उतना आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद को खुद समझ जाओगे। राइट। सो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि कविताएं किस तरह की होनी चाहिए? आपने जिस तरह से और जिस तरह से कहा कि ऑडियंस चाहती है आपको दर्द वाली कविताएं लिखने, आप किस जॉनर की कविताएं लोगों को कहोगे कि ये कविताएं जिस तरह से आपके जो पहले के लोग थे, मतलब आप जैसे कि गुलजार साहब, हरिवंश राय बच्चन जी, ये सब जो कविताएं लिखते थे, तो आप भी चाहते हो कि वैसी कविताएं आज के टाइम में भी मोटिवेट हो, सिर्फ दर्द वाली नहीं, क्योंकि उससे डिप्रेशन होते हैं, लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं? होते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बेसिक जो हमारा पुराना दौर था कविताओं का ना, वो फिर से आना चाहिए, क्योंकि उन कविताओं में ना कि
आपने रामायण पढ़ी है बुक? पढ़ी है मैंने, यस डेफिनेटली। रामायण की एक जो यूपी में बेसिक हमारे यहाँ रामायण होती है जो प्ले करते हैं हम लोग, वो एक कविताओं के थ्रू ही लिखा गया है। आपने कभी नोटिस नहीं किया? महाभारत की बात नहीं कर रहा मैं, महाभारत तो एक वर्णन है, वो संस्कृत में कविताएं कह सकते हैं उसको। तो महाभारत भी लिखी गई वो संस्कृत की कविताएं हैं। वाह, तो उसको ही वर्णन करके ये सारी इतनी महाग्रंथे लिखी जा चुकी है कविताओं पे, तो आखिर आगे की बात ही क्या करें। वाह, बहुत प्यारा। मतलब ये रामायण, रामायण मेरा जो चैनल आप देखोगे तो पूरी तरह बहुत स्पिरिचुअलिटी पे है, भगवान के ऊपर बताता हूँ। जो कल्चर हम आज भूल चुके हैं, जो हमारी यूथ भूल चुकी है, उनको पता नहीं है। हमारे जो फाइटर्स थे, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, पेशवाई हो गए, जो बहुत सारे फाइटर्स थे, उनके बारे में हमारे हिस्ट्री में नहीं बताया जाता है। मुगल्स के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। रामायण हो गया, आज राम का मंदिर भी बन गया है। Exactly. अभी मैंने रामायण की बात करी, महाभारत की बात करी, अपने आप हनुमान चालीसा लीजिए, उसमें स्टार्टिंग का पढ़ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये एक कविता का ही जोनर है। आप देख रिलेट कर पा रहे, एक कविता का ही जोनर है, उसमें हनुमानी चालीसा लिखी गई है। तो भारत हमेशा से कवि प्रेमी ही रहा है। भारत की जो चीजें हैं, जो चीजें रिलेट कर पा रही है, वो कवि प्रेमी ही है सब। वाह, सो आपने, मैं आपको फर्क दिखाऊंगा। आज के जो कविता है दर्द के ऊपर, ये हनुमान चालीसा लोग बुरी चीजों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पढ़ते हैं हमेशा। सो ये फर्क था हमारे पुराने भारत में और नए भारत में। मुझे लगता है पुराने भारत के बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें लानी चाहिए आज के टाइम में भी, जो अभी अपने रामायण के साथ कनेक्ट किया, महाभारत के साथ कनेक्ट किया। आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल के साथ कनेक्टेड हो, आप कितना ज़्यादा अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म को किस तरह से आप मानते हो, मतलब पावर कि क्या आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है? अभी जैसे आपने बोला कि मैं लव एंगल्स लिखता हूँ, बट मैंने मेरी एक पोइट्री का एक लाइन है, आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा लव एंगल्स मैं लिखता हूँ कैसे। कि लोग लिखते होंगे मिसालें इश्क हीर राजा लैला मजनू को, लोग लिखते होंगे मिसालें इश्क हीर राजा लैला मजनू को, मैं आज भी प्रेम की निशानी राधा श्याम लिखता हूँ। लोग कहते मुझे पागल है, मैं इश्क सरेआम लिखता हूँ। तो इश्क में आज भी मैं राधा श्याम को ही मानता हूँ। मुझे लैला मजनू हीर राजा से कोई रिलेशन नहीं है, मैं पुराने जोन का ही है। तो मुझे लगता है ऐसी कविता और बाहर आनी चाहिए जो हमारे देश के रूट्स के साथ कनेक्टेड हो, हमारे ग्रंथों के साथ कनेक्टेड हो, जो हमारे रियल सुपर हीरोज हैं, जैसे कि राम हो गए, हनुमान हो गए, कृष्णा हो गया, ये सब हमारे सुपर हीरोज, यही हमारे भगवान हैं, इन्हें हमें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। मैंने एक मेरे आर्टिस्ट के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, तो वो बता रहे थे कि उनके जो आर्ट है, उनके जो डिज़ाइंस है, वो जो इंडियन सुपर हीरोज़ हैं, महाराणा प्रताप हो गए, जो इंडिया जो भगवान हैं हमारे यहाँ के, उनके जो स्केच बनाते हैं और उन चीज़ों को वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं उनके क्रिएटिविटी के थ्रू। सो आप भी बस इस उस तरह से कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, राइट, कि वो सारे रूट्स को, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है कि हम एक हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे भगवान के हो गए, ग्रंथ हो गए, सब हो गए, उसे किस तरह से मेन स्ट्रीम में ला सकते हो, और आप अपने पोएट के साथ कैसे ला सकते हो? पोएट के साथ जैसे अभी मैंने लास्ट पोएट्री आपको जो सुनाई, उसमें भी मेरा खुद का मानना है कि कृष्ण और राधा ही प्रेम की निशानी है, जो था एकदम पवित्र था। उसके बाद मैंने एक और भी बीच में लिखा था कि किसी ने पूछा था स्पेसिफिकेशन कि आपको कैसा सामने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए, तो मैंने लिखा था कि मुझे बस वो चाहिए जिसका दर्द भी मैं और आराम भी मैं रहूं, मुझे बस वो चाहिए जिसका दर्द भी मैं और आराम भी मैं रहूं, जिसका नाम भी मैं और बदनाम भी मैं रहूं, जिसका कृष्ण भी मैं और राम भी मैं रहूं, मुझे बस वो चाहिए। अरे वाह वाह, तो ये कविता है, दिल छू गई। कृष्ण भी मैं और राम भी मैं रहूं, मतलब मैं मेरे जोन में चाहता हूं कि वर्णन हो कहीं ना कहीं। मैं वही चाहता हूं कि मेरा जो पॉडकास्ट बनाने का आइडिया है, वो आज की जनरेशन को यही सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप देखोगे हमारे महाराष्ट्र में दत्तात्रेय महाराज का बहुत माना जाता है, वो त्रिदेव के है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप है। हाँ। अपना अगर आप कृष्ण और राम को देखें तो उन्हें वैष्णव के इसमें मानते हैं, हनुमान जी शिवाइज्म के रूप है, दत्तात्रेय तीनों भगवान के रूप है, पर उनके बारे में आज देश में किसी को भी नहीं पता।
तो ये चीज मैं अपने रील्स के साथ, अपने पॉडकास्ट के साथ मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप भी अपने कवि के साथ, पोएट्स के साथ यही सारी चीजों को भी मैं तो चाहता हूँ, और मैं पर्सनली बहुत ये चीज को मानता हूँ कि पोएट्स कम शब्दों में आप लोगों के दिल जीत सकते हो। तो दिल सिर्फ दर्द से नहीं, तो हनुमान चालीसा जैसे आपने कहा, तो उस चीज से भी आप ताकत ला सकते हो, और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली वो कर रहे हो। बहुत आपको सक्सेस मिलेगी आगे सर। थैंक यू सो मच आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए, और बहुत सारे कविताएं आप मुझे पर्सनली भी दे देना कि वो सारे मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं अपने ऑडियंस को बता पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आज के यूथ को बहुत कुछ शायद पोएट्स के थ्रू, सिर्फ पोएट्स रील्स में नहीं, तो किस तरह से आप उसको अपने लाइफ में, जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हो। आज के टाइम में अगर कोई डिप्रेशन में जा भी रहा है, काफी चीजें रिलेट भी कर रहा है ना, सिंपली आप महाभारत पढ़िए, सारे डिप्रेशन का हल मिल जाएगा आपको, सारी डिप्रेशन का हल मिल जाएगा। प्यार, बहुत प्यारा। मेरा फोन अभी आप चेक कीजिएगा, तो मैंने बताया ना मैं 15 दिन डिप्रेशन में था, मेरे फोन में रामायण का पूरा अध्याय चालू था, प्रॉपरली मैंने सुना फिर से, उसमें हर एक जो आज की घटनाएं होने वाली है ना उनका भी हल दिया गया है। आप बस रिलेट कीजिए, बस रिलेट करना है। बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच सर, आप आए। Thank you so much.